चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज फिर बेनतीजा रही। यह बैठक दोबारा 3 जुलाई को होगी। यह बैठक चंडीगढ़ सेक्टर 9 के सचिवालय में हो रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। सीएम मान ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है, इस पर पंजाब किसी तरह की बदलाव के बर्दाश्त नहीं करेगा। मान ने कहा था कि पीयू का पंजाब के लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता है, यह राज्य की विरासत का प्रतीक है। मान ने कहा कि भले ही हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने कुछ कॉलेजों की एफिलिएशन मांग रहा है, लेकिन पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी में हरियाणा के किसी भी तरह की हिस्सेदारी के पक्ष में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के कॉलेजों को भी पीयू के साथ संबद्धता होनी चाहिए। हरियाणा पीयू में राज्य के हिस्से की बहाली की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र के साथ मिलकर पंजाब विश्वविद्यालय को आगे ले जाएगी ताकि विश्वविद्यालय समृद्ध हो और इसकी जरूरतें पूरी हों। अब आज के दोनों मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक के बाद क्या हल निकलता है, ये तो समय ही बताएगा। पहलवानों के धरने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने आंदोलन से अपना नाम वापस नहीं लिया है। हालांकि उन्होंने उत्तर रेलवे में अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया है। साक्षी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में साक्षी ने लिखा कि ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है और ना ही हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर न चलाई जाए। बता दें कि कई चैनलों ने खबर चला दी थी कि साक्षी ने आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद साक्षी ने ट्वीट कर इस खबर को अफवाह बताया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए पहलवानों की एक टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पहलवानों और केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 दिनों का समय दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और रेसलर्स की मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इसमें बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और कुछ कोच भी शामिल हुए थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट से अपनी शिकायत वापस ले ली है। दरअसल पहलवान ने दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज करवाया था और ये मामला बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक खुद पलक बताने वाली महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई है। दिल्ली पुलिस ने पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज करवाया था। 2 दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में बयान वापस ले गए हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक नाबालिग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना के बाद प्रभावित पटरियों पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। सोमवार सुबह से अब तक कई एक्सप्रेस ट्रेनें चल चुकी हैं। पहले स्लीमा एक्सप्रेस प्रभावित रेल लाइन से गुजरी और बाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बता दें कि इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मालगाड़ी का परीक्षण किया गया था। बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के 51 घंटे बाद अप और डाउन दोनों लाइनों पर खराब हुई पटरियों की मरम्मत कर दी गई और सेवाएं फिर से शुरू हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मालगाड़ी के चालक दल का अभिवादन किया और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की। कोल्लम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक दरार का पता चलने के बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और कोच S3 को ट्रेन से अलग कर दिया गया। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद अभी राहत का काम जारी ही है और इस बीच तमिलनाडु में एक बोगी में दरार का मामला सामने आया है। हालांकि रेल कर्मियों की नजर पड़ने के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया और उस बोगी को ट्रेन से अलग कर नया को जोड़ा गया और फिर ट्रेन रवाना हुई। ये पूरा मामला कोल्लम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस का है। दरार पहिए के पास ही ट्रेन की बोगी के निचले हिस्से में बड़ी दरार पर जैसे ही रेल कर्मियों की नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया। रेल कर्मियों ने तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दी और इसके बाद आनन फानन में ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कल 6 जून को बरसी को देखते हुए अमृतसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पंजाब पुलिस व अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को पूरे जिले में तैनात किया गया है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक DGP गौरव यादव के निर्देशों पर पंजाब पुलिस ने अमन शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से अमृतसर सहित पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। पंजाब भर में
पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में 192 संवेदनशील क्षेत्रों पर पूरी नजर रखी जा रही है। सभी पुलिस कमिश्नरों और SSPs को अपने अपने जिलों के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों ने श्री अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि ISI के कहने पर पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सैनिकों के बंकरों में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड आतंकियों को पनाह दी गई है। इन आतंकवादियों को हर हाल में अगले एक महीने में घुसपैठ करने और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 2-3 दिन पहले बड़ा हमला करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन सब पर काम करने में जुटी हुई हैं ताकि 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। देश भर में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस विशेष दिन को लोग जन सहभागिता के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हालांकि आज के औद्योगिकरण के दौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय बन गया है। इसके चलते दुनिया भर के इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लेने के उद्देश्य से ही हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बता दें कि भारत में 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और तब से यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। आज यानी 5 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। CM के 51वें जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ का सोमवार को विमोचन किया जा रहा है। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित जयपुरिया स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन लोक निर्माण मंत्री जितेन प्रसाद कर रहे हैं। वहीं CM योगी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। बता दें कि ये पुस्तक 20 जिलों के 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति में रिलीज की जा रही है। इस पुस्तक में CM योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा को दर्शाया गया है। यह एक रिकॉर्ड बनेगा और इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में अगले हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब तक मंत्रिमंडल विस्तार न होने से शिंदे गुट के कई नेताओं में नाराजगी है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना दिवस यानी 19 जून से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में बड़ा हादसा हो गया। संगम में कुल 9 छात्र डूब गए जिनमें से 4 छात्रों को बचा लिया गया और बाकियों की तलाश जारी है। जल पुलिस, गोताखोर और SDRF की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। दरअसल छात्र के 2 गुट संगम पर स्नान करने गए थे और छात्रों का एक जुट नाव पर सवार था तो दूसरा गुट बाहर मौज मस्ती कर रहा था। उसी दौरान नाव तेज आंधी आने से बीच धारा में पलट गई। इसे देखते ही देखते दूसरे गुट के साथी उन्हें बचाने के लिए कूद पड़े और इस दौरान 2 गुटों के कुल 9 छात्र गहरे पानी में डूबने लगे। संगम पर मौजूद जल पुलिस SDRF की टीम ने मोटर बोट की मदद से डूब रहे 4 युवकों को बचा लिया जबकि 5 युवक गहरे पानी में समा गए। पुलिस व SDRF की टीमों का 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला लेकिन 5 युवकों का कुछ पता नहीं चल सका। पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली थी लेकिन अब फिर से गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण गर्मी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा फिर से पसरने लगा है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 6 जून को पंजाब के कई शहरों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है जिससे तापमान ज्यादा कम नहीं होगा। इसके बाद 10 जून को एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस सरगर्म होगा। हालांकि इसका असर पंजाब में होगा जिससे कुछ शहरों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।